केंद्र सरकार ने आज नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी है। सरकार संसद के इसी सत्र में इस बिल को पेश करेगी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। इस बिल के मुताबिक इन देशों से आए या इन देशों में रहने वाले हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। इन अल्पसंख्यकों में वो गैर मुस्लिम नागरिक भी शामिल हैं जिन पर उनके देश में धार्मिक आधार पर अत्याचार हुआ है। 31 दिसंबर 2014 या उसके बाद भारत आए ऐसे सभी अल्पसंख्यकों को अब अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा और उन सभी को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा जो गैर मुस्लिम शरणार्थी भारत में बिना वैध दस्तावेजों के पकड़े जाएंगे उन्हें ना तो जेल में डाला जाएगा और ना ही उन्हें भारत से बाहर जाने को अब कहा जाएगा। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि यह बिल संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है जिसमें सभी को समानता का अधिकार दिया गया है। सिटीजन अमेंडमेंट बिल, इसको भी मंजूरी दी है, उसको भी इंट्रोड्यूस होने के बाद देश भर में चर्चा होगी। सभी लोग इसका स्वागत करेंगे क्योंकि ये राष्ट्रीय इंटरेस्ट में है और नेचुरल जस्टिस के इंटरेस्ट में है और किसी के खिलाफ नहीं है। जब एक बिल आता है जो एक मजहब के खिलाफ सिर्फ एक मजहब के लोगों को कोई हक नहीं देता है जो दूसरों के लिए देता है, ये तो मेरे ख्याल में संविधान के विरुद्ध है और हम इसकी विरुद्ध रहना चाहिए। मैं पर्सनली तो इसके विरुद्ध हूँ। तो अब कई लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि गैर मुसलमानों को ही भारत की नागरिकता क्यों दी जा रही है, मुसलमानों को क्यों नहीं दी जा रही। आरोप ये भी लग रहे हैं कि सीमा पार से जब हिंदू भारत आएंगे तो जनसंख्या का संतुलन बिगड़ जाएगा। लेकिन एक तर्क ये भी है कि किसी देश में अगर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो वो अपने मूल स्थान यानी हिंदुस्तान क्यों नहीं आएंगे। इसके लिए पाकिस्तान का उदाहरण देना बहुत जरूरी है। वहां वर्ष 1947 में जब बंटवारा हुआ था 15% हिंदू थे, लेकिन अब वहां हिंदुओं की आबादी सिर्फ 1.5% रह गई है। एक जमाने में करीब 51% हिंदू आबादी कराची में रहती थी जो अब घटकर सिर्फ 2% रह गई है। आंकड़ों के मुताबिक करीब 5000 हिंदू हर साल पाकिस्तान छोड़ देते हैं। इसी तरह 1000 हिंदू लड़कियों का पाकिस्तान में हर साल धर्मांतरण होता है। कहा जाता है कि पाकिस्तान में करीब 20 लाख हिंदुओं को अपनी या अपने परिवार के लोगों की जान बचाने के लिए हर साल फिरौती देनी पड़ती है। पाकिस्तान में कुल 428 मंदिर हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 20 मंदिरों में ही पूजा की जाती है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में करीब 95% मंदिर तोड़े जा चुके हैं और एक अफसोसजनक आंकड़ा यह भी है कि वहां 80% हिंदुओं के शवों को दफनाना पड़ता है। इसराइल इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है कि कैसे दुनिया भर के यहूदियों ने इकट्ठा होकर एक शक्तिशाली देश का निर्माण किया। ऐसे में अगर भारत दुनिया भर के उन हिंदुओं के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है जिन पर अलग अलग देशों में अत्याचार हो रहे हैं, तो फिर इस पहल का विरोध क्यों।